विद्यांशु गुप्ता पूछे सर, कजाक कैसा है? कजाक आपके पास ऑप्शन है रशिया का 1-2 दिन के लिए, अगर नहीं डिसाइड कर पाओ आपके पास दो ऑप्शन है, यूक्रेन या चाइना। हमने देखा कंट्री कैसे डिसाइड करनी है, करेक्ट है। अगर आप यूक्रेन करते हो तो ये बेस्ट है, अगर ये दोनों नहीं होता है तो फिर कजाक में जाओ, और कजाक में भी आपके पास 3-4 यूनिवर्सिटी है, उसमें से एक ही है जो रैंक्ड है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग काउंसलर से बात कर लेना। सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू हैव गॉट नाउ। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4 लाख रुपए के लिए आप कोई कोई एजेंट बोल देगा इसमें चले जाओ उसमें चले जाओ, ऐसा न मत करना। कंट्री अच्छा सिलेक्ट करना तो बेटर है। अवंतिका तोमर, यूक्रेन का तो जब भी, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल लवीव ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। बुकोविनिया वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट फिनिश बाय 15th of November मैक्सिमम, ठीक है ना। विनिसा 15th of November, तो बुकोविनिया एंड ऑफ अक्टूबर में भी खत्म हो जाए। ये तो बच्चों के ऊपर है कब खत्म हो जाएगा। ये मैं इतना बता सकता हूं कि मोक्ष का 200-250 लोगों का बैच बन रहा है, जो पहले ही एक ही फ्लाइट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको नवंबर एंड में वहां पर पहुंचाने का, इतना मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। सो राज पवार, यू डोंट नीड टू वेस्ट 1 ईयर। 1 ईयर इज अ बिग थिंग भाई। अगर आपको जाना ही है तो रशिया में अभी अप्लाई कर सकते हो तो कर लो इमीजिएटली 1-2 दिन में, नहीं तो फिर तो यूक्रेन निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपांशु, अगर आप यूएस का सोच रहे हो तो आंख बंद करके पोलता हुआ कर लो, कोई देर इज नो डाउट अबाउट इट, ओके। इवानो इज नॉट अ गुड यूनिवर्सिटी भाई, वहां पे हॉस्टल तक नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ता है, ठीक है ना। सो प्रॉब्लमेटिक है वहां पे, बहुत सारे चीजें हैं। कभी दीपांशु कभी बात करेंगे जूम कॉल पे प्राइवेटली तो बताऊंगा आपको। जाना है तो वी विल प्लेस यू ओवर देयर, बट दैट्स नॉट द मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, ओके। यू अच्छा, सुष्मिता से जर्मनी, जर्मनी यू कैन टेक, यू कैन बुक योर सीट, बट देर इज एन एंट्रेंस एग्जाम दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट, ओके। सुष्मिता, 1 साल वहां पे 20 लाख रुपया खर्चा करने के बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम फेस्टलेस प्रूफिंग आएगा। क्लियर कर लोगे तो पूरा MBBS फ्री, नहीं करोगे तो वो आपको सीट नहीं मिलेगा। देवांग शर्मा, ये फालतू कॉलेजेस का जाना बंद करो यार, कजाकिस कैन नॉट बी योर। यार टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट रशिया, हैव यू हर्ड अबाउट यूक्रेन, और हैव यू हर्ड अबाउट कजाक? विच आर द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज आउट ऑफ द थ्री? डू यू नॉट वॉन्ट टू चूज द बेस्ट ऑफ द कंट्री? ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, अभिषेक शिंदे पूछ रहे हैं कि उसे बताया जा रहा है महाराष्ट्र में कि जमैका का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जबकि वो कैम एचपी में तो ब्लैक लिस्टेड है। आप इनको बता दो ना कैसे कैरेबियन में फाइनल होता है, तो ताकि सब लोग, बच्चे लोगों को कोई उल्लू नहीं बना पाए। कैम एचपी आप स्क्रीन का ले लो और उनको बता दो कि जमैका में आज अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड डायरेक्टरी खुला नहीं है, नहीं तो मैं बता होता मैं डायरेक्टरी खोल के कि ये सब 5-10 साल पुरानी प्राइवेट कॉलेजेस है, इसमें भूल से भी जाओ मत, ठीक है, नहीं तो सारे के सारे फंसने वाले है। कैम एचपी का एक्रेडिटेशन वगैरह बताओ चिराग जी इनको। ऑलराइट, सो आई विल टेक ओवर द स्क्रीन सर, बिकॉज़ वी कैन देन डेफिनेटली टॉक अबाउट सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा आप एक काउंसिलिंग सेशन जूम के ऊपर या कॉल के ऊपर ले लो काउंसिलर के साथ में। द डे यू हैव टेकन फाइनलाइज योर यूनिवर्सिटी, कंट्री और अपना इंडिया अब्रॉड या कॉम्बो, ये 3 चीज फाइनल करनी है आप लोगों को लाइफ में। तो इंडिया में है तो आपको 580 के ऊपर है या नहीं है, अब्रॉड में है तो भाई कौन सा कंट्री है, कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉम्बो में है तो क्या आपको जाना है, कभी जाना है, ये सब लाइफ फाइनल करना है। ये इतना कर लो एंड फाइनली आपका जब पीजी के लिए, वेन एवर यू थिंक आई वॉन्ट टू फाइनलाइज दैट डिसीजन, इंडिया या यूएस या जर्मनी, एट दैट टाइम यू कैन कॉल मी, द काउंसिलर विल टेक मी ऑल्सो ऑन द, और चिराग जी ऑल्सो ऑन द जूम कॉल, एंड वी विल फाइनलाइज योर एंटायर करियर प्लान। गाइज यू डोंट हैव टू वरी, आई हैव टोल्ड यू वन सिंपल थिंग, अगर USMLE करना है, US जाना है तो फायदे बहुत है, तो वो सोचो। अगर इंडिया ही वापस आना है तो आपको यूनिवर्सिटी का सेट अलग रहेगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी का सेट अलग है, और जर्मनी के लिए यूनिवर्सिटी का सेट अलग है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूक्रेन या तो चाइना ही जाने वाले हैं, सबकी इंक्वायरीज इसी के लिए आ रही है क्योंकि रशिया मोर और लेस खत्म हो गया, और फालतू किर्गिस्तान और जॉर्जिया और ये सब कंट्रीज के लिए कुछ तो जाना होता नहीं।
अनलेस यू कम इन द टॉक्स ऑफ दोज यूजलेस एजेंट्स यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, ठीक है ना? यस लॉविश फॉर श्योर, जयंत सर के साथ में तुम्हारा आपका भी बात हो जाएगा। ये रुद्राक्ष पारे एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं चिराग जी, इसको सभी बच्चों की, उसको पता नहीं है कि और कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है। भाई रुद्राक्ष बंद करो अपनी एडवर्टाइजमेंट, कोई फायदा नहीं है। आप बताओ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में जमैका का प्रॉब्लम क्या है, कैसा फ्रॉड इंस्टीट्यूशंस बताते हैं ये जमैका वाले और ये जो गयाना वाले और ये सब जो फालतू चीजें चल रही है ना, करेक्ट, वो जरा बता दो सर। स्पेशली क्या है कि एब्सोल्युटली सर, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ना, वो एक प्रोमिनेंट डॉक्टर है, वो पॉलिटिशियन वगैरह एक्टर वगैरह के साथ फोटो खिंचवा के और यू नो न्यूज चैनल, मराठी न्यूज चैनल पे आ जाते हैं और सबको बोला जा रहा है कि जमैका नंबर वन यूनिवर्सिटी है। तो सर ये रियलिटी है, एक्रेडिटेशन विड्रॉ हो चुका है, ये जो वहां का जो कैम एचपी है, जो वहां का एमसीआई है, वहां से ये यूनिवर्सिटी का एक्रेडिटेशन विड्रॉ हो चुका है, वहां पर वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है और ऐसी यूनिवर्सिटी अभिषेक शिंदे को बताई गई है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे महाराष्ट्र में स्पेशली जिनको यू नो गलत यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अभिषेक, जो आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नंबर वन यूनिवर्सिटी है और मैं डोनेशन के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, रियलिटी में ये काम कर रहे हैं। देख रहे हो आप, जो यूनिवर्सिटी वहां पर ब्लैकलिस्टेड है वो यूनिवर्सिटी आपको रेकमेंड कर रहे हैं, आप बताइए क्या रियलिटी है। तो आप जस्ट बिकॉज कोई कोई न्यूज चैनल पे आ जाता है, आप तो जानते ही हो कितना मार्केटिंग हो रहा है न्यूज चैनल पर, तो उससे आपको बिलीव नहीं करना है। अभिषेक शिंदे अपने करियर को बचा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही क्वेश्चन है सर, अगर यूएस एमएलई करना है तो इंडिया हो या अब्रॉड हो, कौन सी कॉलेजेस चूज करनी है? तो क्विकली ये जो हमने एनालिसिस किया था वो एक क्विक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। टॉप यूनिवर्सिटीज कोई भी कंट्री हो, मगर अगर यूएस एमएलई करना है तो डिसीजन मेकिंग कैसे करना है? गाइस क्विकली लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि विच एवर कंट्री यू डिसाइड, ठीक है, अगर आपको यूएस जाना है तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि फ्री में पीजी करने के लिए क्या आपकी मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड डायरेक्टरी में अप्रूव्ड है। आप देख सकते हो 357 कॉलेजेस ओनली आर अप्रूव्ड। अगर आप इंडिया से भी अगर पीजी एमबीबीएस करते हो और अगर यूएस में पीजी करना चाहते हो तो राइट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मेडिकल कॉलेज है वो वर्ल्ड डायरेक्टरी में अप्रूव्ड होनी चाहिए एंड ईसीएफएमजी यूएस के साथ यू नो लिस्टेड होनी चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं है? तो इसीलिए वर्ल्ड डायरेक्टरी पर जाना है, करंटली वो मेंटेनेंस में है, अदरवाइज आपको मैं लाइव दिखा देता, बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो किस तरह से आपको मेडिकल स्कूल फाइंड करनी है। तो आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कैसे चेक करना है। जब आप वर्ल्ड डायरेक्टरी में अपनी कॉलेज ओपन करोगे तो ये स्पॉन्सर नोट चेक करना, क्या कॉलेज कनाडा और यूएस में अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो जिस तरह से अभिषेक को फंसाया गया है ऐसे बहुत बच्चे फंस सकते हैं। आप देख सकते हो उमसा पोल्टावा वेरी मच अप्रूव्ड इन यूक्रेन, पिरोगोव इन रशिया वेरी मच अप्रूव्ड, विटेट्स इन बेलारूस वेरी मच अप्रूव्ड। तो आपको फाइंड करना है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो क्या वहां से फ्री में पीजी होता है। अगर आपने रिसर्च सही नहीं किया और इंस्टाग्राम फेसबुक ऐड के चक्कर में आ गए तो ये आपके साथ होगा। आप में से कितने बच्चों को ये ऐड दिखी है यूट्यूब पे इंस्टाग्राम में, नंबर वन यूनिवर्सिटी तराश शेवचेंको को बोल के? अगर आप यहां पर जाओगे तो कभी भी यूएस नहीं जा पाओगे, फ्री में पीजी आपकी नहीं होगी। बी वेरी वेरी केयरफुल, जॉर्जिया बताया जाता है नंबर वन, वो यूरोप का पार्ट भी नहीं है मगर कहा जाता है इट इज पार्ट ऑफ यूरोप। कैन यू बिलीव इट? तो इस तरह का ये चीजें हो रही है, बी वेरी वेरी केयरफुल। नाम लिख देंगे अमेरिकन, नाम अमेरिकन लिखने से कोई यूनिवर्सिटी अमेरिकन होती नहीं है। तो डू योर रिसर्च अभिषेक, जिस तरह से आपको महाराष्ट्र में फंसाया जा रहा है, साउथ इंडिया में ये यूनिवर्सिटी सब बच्चों को बताया जा रहा है तक्सीला अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड इस नाम से सेम चीटिंग हो रही है, या फिर किर्गिस्तान यूपी बिहार में सब बच्चों को यहां भेज रहे हैं, अगेन ये यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो क्या वो अमेरिका के लिए एलिजिबल है या नहीं है। लवीव भी दो तरह की होती है, एक गवर्नमेंट वाली जो वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड है और एक प्राइवेट।
तो अगर आप एजेंट के चक्कर में आ गए तो वो आपको प्राइवेट वाले लबी में भेज देगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, आप अपना पास्ट लाइसेंस एग्जाम परफॉर्मेंस, एक्चुअल स्टूडेंट का एडमिशन क्या चांसेस है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सब रिसर्च करो। इसी रिसर्च के बाद पता चला है कि इंडिया में अगर बच्चा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेता है तो डेफिनेटली यूएस में सक्सेसफुल रहेगा। तो डेफिनेटली जिस बच्चों को फ्री में पीजी अमेरिका में करनी है वो प्रेफर करते हैं एम्स दिल्ली, मैमसी उस्मानिया, बीएमएमसी, बीजे मेडिकल, बड़ौदा, ग्रैंड मेडिकल, यहां से बच्चे मैक्सिमम यूएस यूएस के लिए सक्सेसफुल होते हैं। तो हमने वही सोचा कि आपके लिए ये लिस्ट आइडेंटिफाई की जाए ताकि आपको भी पता चले कि अगर एडमिशन लेना है और आगे जाके फ्री में पीजी करना है तो कौन सी बेस्ट कॉलेजेस है। सिमिलरली अगर हम रशिया की बात करें तो नंबर वन चल रहा है पिरोगोव, सेकेंड इज कजान स्टेट, थर्ड इज क्रीमिया, देन सेचिनोव, दैट्स इट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट यूक्रेन, सर ने ऑलरेडी बताया, हमने डीन से भी बात की थी, उमसा पोल्टावा नंबर वन चल रहा है, सेकेंड इज गवर्नमेंट वाला लवीव, थर्ड इज वेनिसिया, फोर्थ इज बुकोविनिया। बुकोविनिया इज नंबर वन अगर आप कंसिडर करते हैं फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, इंडिया में वापस आना चाहते। और अभिषेक सिंधे जो आपको डॉक्टर साहब फंसा रहे थे करेबियन में, तो करेबियन में ही अगर जाना है, आपका बजट हाई है, तो वो डॉक्टर साहब की बातें मत सुनो, अपनी खुद की रिसर्च करो। करेबियन में नंबर वन चल रहा है SGU, इसका बजट होना चाहिए 2.5 करोड़ आपका। सेकेंड है रॉस, ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़। थर्ड इज AUC एंड यू नो देन फोर्थ इज एवलॉन। ऑलराइट, तो आपको देख सकते हो 1 करोड़ तक का बजट है तो एवलॉन हो जाएगा, 1.5 करोड़ है तो AUC तक हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी बजटिंग चलती है, तो प्लीज डू योर रिसर्च वेल। ऑलराइट, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करो राइट अप टू PG, दैट इज व्हाट वी विल एडवाइज यू एट मोक्ष। Somebody was asking about Belarus, तो okay, number one is Vitesse, there's no doubt about it, कुछ थोड़े बहुत बच्चे consider करते हैं for Gomel, that's it, इसके नीचे जाना not recommended, alright? So ultimately decision आपका है, your one decision will make or break your career, alright? So do your research well, Moksh will provide you all the research tools, खुद अपना research करो, do not blindly believe on any kind of YouTube videos. That is something very, very important. Charu Sharma, I have one ask you question. क्या इनको ये webinar helpful लग रहा है सभी लोगों को? I want to ask that question because I think we have been putting in lot of efforts to ensure that they are not being fooled by these agents and they are able to, you know, recognize the need of research and, you know, go through the entire career planning exercise which they had never thought of before. So is it, are they now feeling that they are, you know, taking a right decision to understand things in a better way? That's the question actually. Is this webinar helping you to do that? This 84% is a big, big number, and plus 11, 95% log bol rahe hain ki nahi badhiya hai. Bahut helpful hai. I'm very thankful to all of you actually. Chirag ji, this was just a question on my head, so I just took it in between. You please continue with your session, please. That is exactly what you know we wanted to know. Ye feedback bahut zaruri hai. It is very important that you know we have a complete clarity. And thank you very much, and wish you all the very best. Thank you. I will end this session now. Thank you.